Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a topic, Development of Adult Education in India, as many BA and BEd courses have a topic under Adult Education. Okay, and the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for various competitive teaching examinations as well as for your regular BA, BEd and MA/MEd courses. Okay, so first of all, हमको जानना है प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क शिक्षा का विकास भारत में कैसे हुआ है, क्या क्रम रहा है, कहाँ से शुरू हुई ये बात और आज कहाँ तक पहुंची है. तो हम बात करेंगे, हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश काल में क्या चल रहा था और उसके बाद हम इंडिपेंडेंस के बाद का स्तर देखेंगे. तो अगर हम बात करें कि औपनिवेशिक भारत में या ब्रिटिशकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था एडल्ट एजुकेशन के नाम पर क्या थी, तो आप पाएंगे कि द मेन थ्रस्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी रिवॉल्व अराउंड बेसिक स्कूल्स, यानी कि बेसिक स्कूलों के इर्द गिर्द 19वीं शताब्दी में प्रौढ़ शिक्षा का हिसाब किताब था. और the night schools were the key adult education institutions in British India. और अगर हम देखें कि ब्रिटिश कालीन भारत में प्रौढ़ शिक्षा के नाम का क्या चल रहा था, तो night schools चल रहे थे. क्यों night schools चल रहे थे? क्योंकि भाई आप adult हैं, आपने formal education से वंचित हैं, आप उस age को cross कर चुके हैं, आप कुछ ना कुछ काम धंधे में हैं, तो आप चूंकि दिन में उन सब कामों में व्यस्त रहते, इसलिए रात्रि कालीन, सायंकालीन ये विद्यालय चलाने की व्यवस्था हुई कि आप अपना काम धंधा करके आइए और फिर इसमें कुछ इतना जान लीजिए कि जरूरी आप लिटरेट हो सके, साक्षर हो सके, लिटरेसी रेट बढ़ाया जा सके और आपका दैनिक जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं नहीं पढ़ने लिखने की वजह से वो ना आए. They were few and modeled after British adult schools. वो बहुत संख्या में कम थे और British adult school के modeling के आधार पर थे. और mainly किसके द्वारा चलाए गए थे, setup किया उनका बनाया गया था, Christian missionaries उसको चला रहे थे, या तो nationalist leaders चला रहे थे, या आपके सामाजिक धार्मिक संस्थाएं चला रही थी, या कुछ बौद्धिक लोग चला रहे थे. The official policy was to encourage them wherever practical and permit as much flexibility as possible in school hours. और ये सोचा गया चूंकि adult हैं तो हम rigid ना हो, हम school hour में जहां तक हो सके प्रैक्टिकल रहे, उनको फ्लेक्सिबिलिटी परमिट करें. और दी कोर करिकुलम इसमें क्या था, जो पाठ्यचर्या थी किस पर आधारित थी, कि आप बेसिक जो रूडिमेंट्स हैं वो आपको आ जाए किसका, पढ़ने लिखने और सवाल जवाब का, सवाल जवाब इन द सेंस अंकिक सवालों का, विद इन मिनिमम ऑफ 100 days और कम से कम आपको 100 दिन पढ़ाया जाए. एवरेज इंस्ट्रक्शन पर डे वॉज ऑफ 2-3 आवर्स ड्यूरेशन, और हर दिन का लगभग 2 से 3 घंटे का ड्यूरेशन अवधि हो एवरेज इंस्ट्रक्शन की, आपको निर्देश देने की. और आपका ये जो हंटर कमीशन है, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1882 में गठित हुआ था, इसने ये ऑब्जर्व किया कि हर प्रोविंस में इस तरह के सेटिंग नाइट स्कूल की सेटिंग थी, बॉम्बे और मद्रास में चल रहे थे, वहां इतने इतने बच्चे एडल्ट इनरोल थे. ओके, फिर हम बात करें अगर कॉलोनियल इंडिया की, तो चूंकि नेशनलिस्ट लीडर्स भी इसको चला रहे थे, इंटेलेक्चुअल्स भी चला रहे थे, तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे, रॉय थे, इन लोग बात कर रहे थे प्रौढ़ शिक्षा की. लेकिन उसमें जो सबसे क्रांतिकारी विचार वो स्वामी विवेकानंद जी का था. इन्होंने कहा कि ऑफ ऑल द 19th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल्स, स्वामी विवेकानंद आइडियाज ऑन एडल्ट एजुकेशन आर नोटवर्थी. मतलब आप इसको नोट कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे थे प्रौढ़ शिक्षा पे. Observing that the chief cause of India's ruin has been the monopolizing of all the education by a handful of men. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भारतवर्ष का जो क्षरण हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, केवल कुछ लोग हैं जो उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया है शिक्षा व्यवस्था को. तो उन्होंने क्या कहा, ही स्ट्रेस द नीड फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग द मासेस. देखिए मास एजुकेशन की बात विवेकानंद जी कहते हैं उस वक्त, कि जनमानस को शिक्षा दीजिए, हर प्रत्येक को शिक्षा दीजिए, शिक्षा केवल नॉट फॉर ओनली फ्यू, कुछ लोगों के लिए ना हो, जनमानस के लिए हो. ही बिलीव दैट अ नेशन इज एडवांस्ड इन द प्रोपोर्शन एज एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस स्प्रेड अमंग द मासेस, एंड द ओनली सर्विस टू बी डन फॉर द लोअर क्लासेस इज टू गिव देम एजुकेशन टू डेवलप देयर लॉस्ट इंडिविजुअलिटी. वो विश्वास रखते थे कि एक राष्ट्र जो है वो उसी प्रपोर्शन में, उसी अनुपात में विकसित हो सकता है जिस अनुपात में वहां शिक्षा और बुद्धिमत्ता का स्प्रेड हो मासेस के बीच में. और केवल हम लोअर क्लास को इस तरह से सर्विस उनकी कर सकते हैं कि हम उन्हें शिक्षित कर दें, ताकि वो अपना जो उनकी लॉस्ट इंडिविजुअलिटी है, जो वो उन्होंने अपना स्व खो दिया है, उसको वो पा सके. अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रेटर पार्ट ऑफ एजुकेशन टू द पुअर शुड बी गिवन ओरली एंड इन वर्टिकल लैंग्वेजेस. वो कह रहे हैं कि आप उनको ओरली पढ़ाइए, ओरली उनको बताइए और उनकी भाषा में बताइए, रीजनल लैंग्वेजेस में बताइए, वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस में बताइए. टू कोट स्वामी विवेकानंद, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी को कोट करें यहाँ पे उनके शब्दों में कहें, तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज पुट इनटू ब्रेन एंड रन्स राइट देयर.
अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ. वो कह रहे हैं शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल कुछ सोचना है जो आपके मस्तिष्क में डाल दी गई वहां सड़ रही है, उसका कोई पूरे जीवन काल में वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज होनी चाहिए शिक्षा की. जीवन का निर्माण हो, मनुष्य को वो बनाए, मानव निर्मित शिक्षा हो, आपके चरित्र का निर्माण करे, है ना. इफ यू हैव एसिमिलेटेड फाइन आइडियाज एंड मेड देम योर लाइफ एंड कैरेक्टर, यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन ए मैन हु हैज गॉट बाय हार्ट अ होल लाइब्रेरी. वो कह रहे हैं अगर आपने अपने दिमाग में कुछ आइडियाज, फाइन आइडियाज का एसिमिलेशन कर लिया है और आप उस पर और आपने अपना कैरेक्टर बना लिया उसी हिसाब से, तो आप यू हैव मोर इन्फॉर्म, मतलब आप उससे ज्यादा आपके पास सूचना है या इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है उस आदमी से ज्यादा जिसने पूरी एक लाइब्रेरी को दिल से याद किया. मतलब कहने का कि आपके पास आइडियाज का एसिमिलेशन होना चाहिए, आपके पास फाइन कैरेक्टर होना चाहिए. ये बातें स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे. अब हम देखते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ है एडल्ट एजुकेशन का कंसेप्ट इंडिया में. हम लोग एडल्ट एजुकेशन को जनरली बहुत, मतलब बहुत सीरियसली नहीं लेते और हमें लगता है पता नहीं कुछ ऐसे चल रहा होगा, हमें ज्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं रहती. लेकिन अगर आप जाने तो देखिए पांचवां लेवल है जो एडल्ट एजुकेशन का चल रहा है भारतवर्ष में. एक बेसिक लिटरेसी का कंसेप्ट आया था 1882 से 1947 रहा, 1882 में आपका हंटर कमीशन आया इसे लेके इंडिपेंडेंस तक. फिर तुरंत आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कंसेप्ट चेंज हुआ और सोशल एजुकेशन का आ गया, ये चला 64 तक. फिर 65 से 77 12 साल चला है फंक्शनल लिटरेसी का कंसेप्ट. फिर 78 से 2008 30 साल चला है डेवलपमेंटल लिटरेसी का कंसेप्ट. और अब 2009 से अब देखिए 14 साल इसको भी हो रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट है. और आप पाएंगे कि ये कैसे इवॉल्व हुए हैं कंसेप्ट, ऐसे ही नहीं बैठे बैठे कि 47 के बाद हमें लगा सोशल एजुकेशन कर लें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बात होती रहती है, कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं एडल्ट एजुकेशन पे, तो वहाँ से निकल के आते हैं कंसेप्ट. हम कई सिग्नेचरीज होते हैं, हम साइन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमको वी अपनाना पड़ता है उस कंसेप्ट को. तो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है एडल्ट एजुकेशन का कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना, यही लिखा हुआ है इसमें. तो हम मतलब क्रमवार चलेंगे, पहले हम देखेंगे बेसिक लिटरेसी में क्या बात होती थी, फिर सोशल एजुकेशन में कैसे क्या चेंज हुआ, फिर फंक्शनल लिटरेसी क्या है, डेवलपमेंटल लिटरेसी क्या है, और आज जो क्रम चल रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का वो क्या है. तो सबसे पहले हम बात करें बेसिक लिटरेसी और सोशल एजुकेशन की. तो बेसिक लिटरेसी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बेसिकली हम लिटरेट हो जाए. लिटरेट हो जाए मतलब 3R, देखिए बार बार 3R आता है. 3R क्या, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, यानी हम पढ़ सकें, लिख सकें और हम गणना कर सकें. इतना अगर हम आ जाए तो ये 1882 से 1947 तक एडल्ट एजुकेशन का कंसेप्ट था कि हम बेसिकली लिटरेट हो जाए. अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग स्किल्स इन 3R, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, द करिकुलम ऑल्सो इंक्लूडेड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, लेसंस गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ हाइजीन एंड फर्स्ट एड. मतलब बेसिक लिटरेसी भी ये देखा गया कि हम 3R में तो हमको स्किल्ड हो ही जाएं, उसके अलावा सॉरी थोड़ा सा हमको कहानियां पता हो, ऐतिहासिक महत्व की हमें पता हो कि हमारे कौन से हीरोज रहे हैं, हमको जनरल हेल्थ हाइजीन और फर्स्ट एड का ज्ञान हो, ये सब बातें बेसिक लिटरेसी वाले दौर में चली. उसके बाद The concept of social education आया. ये conceive हुआ है 1948 में और 1952 में इसको community development program से जोड़ दिया गया. मतलब आप शिक्षित हैं, अगर आप साक्षर हैं तो जरूर आपको समाज, सामाजिक विकास और इन सब के प्रोग्रामों से जुड़े होना चाहिए. At the time of independence, India had literacy rate of 12.2% only. मतलब जब भारतवर्ष आजाद हुआ तो देश में साक्षरता का स्तर केवल 12% था. तो इन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा हमको लिटरेसी रेट बढ़ाना है तो एडल्ट एजुकेशन पे ध्यान देना होगा. इन अर्लियर प्रोग्राम्स व्हिच आर इंप्लीमेंटेड इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन वाज टू नैरो. हमने कहा ना सिर्फ बेसिक लिटरेसी की बात हो रही है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुआ कि इसको हमें वाइडन करना होगा, इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड करना होगा, बहुत सारी इसमें और चीजें इंक्लूड करनी होंगी. तो हेल्थ, हाइजीन, रिक्रिएशन, अपग्रेडेशन ऑफ वोकेशनल स्किल्स, कि आपके पास कोई कौशल है उसका विकास किया जाए, इंप्रूवमेंट इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड सिटीजनशिप एजुकेशन वर इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट टर्म्ड एज सोशल एजुकेशन. यानी कि बेसिक लिटरेसी में हेल्थ हाइजीन की तो बात होती थी, आपने उसमें वोकेशनल एजुकेशन का अपग्रेडेशन जोड़ा, आपने उसमें सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ का इंप्रूवमेंट जोड़ा और सिटीजनशिप एजुकेशन जोड़ के बेसिक लिटरेसी को बना दिया क्या, सोशल एजुकेशन. तो इस तरह से ये 1948 से 1964 तक सोशल एजुकेशन की बात होती रही एडल्ट एजुकेशन. ठीक है, फिर फंक्शनल लिटरेसी आया, ये आपका चल रहा है 1965 से 1977 तक, है ना. फंक्शनल लिटरेसी वाज डिफाइंड एज लिटरेसी इंटीग्रेटेड विद द ऑक्यूपेशन ऑफ द लर्नर एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट. द फंक्शनल लिटरेसी वाज ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन इन 1968, इट वाज बेस्ड ऑन वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी. फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक,
वर्क ओरिएंटेड, ये कह रहे हैं कि लर्नर का जो भी ऑक्यूपेशन है हम उससे लिटरेसी को जोड़ दें, और मतलब कि वो डायरेक्टली उसके डेवलपमेंट से जुड़ जाए, उसके विकास से जुड़ जाए, ये कंसेप्ट आए। तो कौन इसके पीछे कौन कौन है ये देखिए, पीछे है इसके फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो एडल्ट एजुकेशन पे हुई यूनेस्को में डेनमार्क में 1949 में, उसमें कहा गया कि रोल ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसमें बात की गई कि समाज राजनीति और आप इकोनॉमिक स्टेटस का अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो एडल्ट एजुकेशन का उसमें रोल होना चाहिए। इट फोकस्ड ऑन फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ एडल्ट एजुकेशन, है ना, मतलब हम मतलब फंक्शनल का मतलब कि एक्टिव हो रोल उसका, पैसिव नहीं कि बस सीख के बैठे। सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है एडल्ट एजुकेशन की कनाडा में 1960 में, ये भी इम्फेसाइज किस पे कर रही है, लिंकेज इन एडल्ट एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी वर्क एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा को उत्पादकता से जोड़िए, कार्य से जोड़िए, विकास से जोड़िए। फिर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है एजुकेशन मिनिस्टर्स की तेहरान में 1965 में इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी के नाम से, इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन फंक्शनल लिटरेसी। ऑल थ्री फैक्टर्स हैड ग्रेट इंपैक्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया। तो जो भारतवर्ष में भी बात हो रही थी तो ये बात हुआ कि अब सोशल एजुकेशन से हमको मूव ऑन कर जाना चाहिए फंक्शनल लिटरेसी पे। तो फंक्शनल लिटरेसी का मतलब क्या है कि लिटरेसी जो है वो ऑक्यूपेशन ऑफ द लर्नर से जुड़ी रहेगी और उसके विकास से इसका सीधा संपर्क होगा। फिर बात आती है डेवलपमेंटल लिटरेसी की, ये आपकी चल रही है 78 से 2008 तक। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि देखिए आपको कोई भी चीज होती है वो समाज में उस वक्त जो चल रही होती है विचारधारा उससे प्रभावित होती है ना। तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त वो जो दौर था वो पॉलो फ्रेरे की फिलोसफी का दौर था, कॉन्सेंटियसनेस का दौर, है ना, जो कह रहा है कि बैंकिंग एजुकेशन, वो जो कह रहा है कि जो एजुकेशन है वो बेकार है, वो लर्नर को पैसिव बना देती है, उसमें चिंतन की क्षमता नहीं जनरेट करती है। तो इसका एडल्ट एजुकेशन पे भी प्रभाव पड़ा। विद दिस फिलोसफी द होराइजंस ऑफ फंक्शनैलिटी वाइडेंड, तो कहा गया फंक्शनैलिटी के होराइजन को वाइड करना पड़ेगा। और अब कॉन्सेप्ट किसका आ गया, डेवलपमेंटल लिटरेसी का। तो इसमें क्या हुआ कि लिटरेसी शुड नॉट बी कन्फाइंड एज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग द स्किल्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक। उन्होंने कहा कि लर्निंग सिर्फ जो आपका लिटरेसी है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमको कुछ सीख जाए, हम कुछ पढ़ लें, लिख लें, सवाल जवाब कर लें, गुणा भाग कर लें। उन्होंने कहा इट शुड गो बियॉन्ड दैट एंड कंट्रीब्यूट टू द लिबरेशन एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारी मुक्ति का मार्ग मिलना चाहिए शिक्षा से, हमारा पूरा विकास होना चाहिए मनुष्य का। इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट सोशल रियलिटी वाज फोकस्ड, यहाँ पे बात की गई कि सोशल रियलिटी के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। डेवलपमेंट लिटरेसी कैन बी डिफाइंड एज लिटरेसी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेशन, यानी कि मनुष्य का भी और राष्ट्र का भी पूरा विकास हो, वो है डेवलपमेंटल लिटरेसी। इट हेल्प्स द पर्सन टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग टू गेन जनरल नॉलेज, helps to improve and increase productivity, increases participation in civic life. मतलब कि हमको ज्ञान की भी प्राप्ति हो, हम उत्पादकता में भी हमारा विकास हो, हम बढ़िया करें, हम जो हमारा सिविक लाइफ है, जो नागरिक जीवन हम व्यतीत करते हैं उसमें भी हम पार्टिसिपेशन करें। पर्सन गेट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग वर्ल्ड व्हिच अल्टीमेटली हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हम अगर अपने आसपास के वातावरण को बेहतर जानेंगे तो हम बेहतर जीवन जिएंगे। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पीरियड नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज कंसीव्ड इन इंडिया, ये 1978 में आया है NAEP, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये वो समय काल था जब NAEP कंसीव हुआ इंडिया में। अब क्या है NAEP? On 2 October 1978, GOI announced NAEP. Government of India ने National Adult Education Program 1978 2 October को लॉन्च किया। This was first adult education program implemented by government throughout the country. मतलब पूरे देश में इस तरीके का government द्वारा चलाया गया पहला प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम था। Objectives of this program were literacy, awareness and functionality. यानी कि आपको साक्षर भी बनना है, आपको जागरूक भी होना है और functionality भी हो, यानी आप उसको कार्य में उतारें अपने। Along with government, Department of Adult Education, other institutions such as universities and colleges, voluntary organizations, जिसमें आपके NGOs आ जाएंगे, नेहरू युवक केंद्र were also involved in implementation of NAEP. देखिए आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि adult education इतना broad concept है कि सिर्फ सरकार उसको नहीं चला सकती, उसमें हमको बहुत से सहयोग लेना पड़ेगा NGO से, different संस्थाओं से, organizations से, है ना। ये बात आपको बाद में भी पढ़ना है कि role of voluntary agencies in adult education उसमें आएगा। फिर अब आपको पता होगा कि 1986 में NPE आया है। तो ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी वाज अगेन रीइंफोर्स्ड इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986। तो जब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई है वो भी प्रौढ़ शिक्षा पे बात कर रही है। इट मेंशंस दैट एडल्ट एजुकेशन वुड बिकम्स अ मींस फॉर रिड्यूसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जेंडर डिस्पैरिटी। वो बात कर रही है कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वो इसका माध्यम होना चाहिए कि हमारा जो असमानता है, जो जेंडर के बारे में है, जो सामाजिक असमानता है, लैंगिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, उसको कम किया जा सके एडल्ट एजुकेशन के द्वारा। फिर जो 1986
1986 का फॉलो अप आया है प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से पीओए 1992 में, वो क्या कह रहा है, एम्फेसिस इन एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी ऑन स्किल डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि जो आप प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाइए उसमें कौशल विकास पर ध्यान दीजिए, इन क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग द लर्नर्स ऑफ द नेशनल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। ये सारी बातें, मतलब कितना देखिए विकास हो रहा है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम का। फिर कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, रियलाइजिंग द न्यू चैलेंजेस। अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग देखिए 2008 से है, ये कौन सा समय है, ये वो समय है जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है ना, वेस्टर्नाइजेशन की बात हो रही है। तो फंक्शनल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या लॉन्च कर रही है, साक्षर भारत मिशन ऑन द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इन सितंबर 2009 में लॉन्च किया गया इसको। इट्स एम इज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ नॉन लिटरेट एडल्ट्स इन इंडिया। इसका उद्देश्य था कि जो निरक्षर वयस्क हैं हिंदुस्तान में उनकी संख्या को हम कम कर सकें और एक ऐसा वातावरण बना सकें जिसमें कि जो हमारा समुदाय हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट मतलब कि जीवन पर्यंत सतत आपको पढ़ते रहना है। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है साक्षर भारत प्रोग्राम के, इम्पार्ट फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू नॉन लिटरेट एंड नॉन न्यूमरेट एडल्ट्स, मतलब जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो जिनसे गणना नहीं जो कर सकते उनको हम लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाएं। फिर इनेबल द न्यू लिटरेट एडल्ट्स टू कंटिन्यू देयर लर्निंग बियॉन्ड बेसिक लिटरेसी एंड एक्वायर इक्विवेलेंसी टू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। वो कह रहे हैं कि जो नए नए अभी अभी सीख कर आए हैं, जो अभी अभी साक्षर हुए हैं एडल्ट, उनको हम इतना इनेबल करें, इतना योग्य बनाएं कि वो लर्निंग को बियॉन्ड बेसिक लिटरेसी ले जाएं, मतलब सिर्फ जोड़ घटाने तक ना ले जाएं, आगे बढ़ें और किसके बराबर हो जाएं, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो चलता है उसके इक्विवेलेंट हो जाएं। फिर इम्पार्ट नॉन एंड न्यू लिटरेट्स रेलेवेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव देयर अर्निंग एंड लिविंग कंडीशंस। वो कह रहे हैं कि जो हमारे अभी अभी साक्षर हुए लोग हैं, न्यू लिटरेट हैं, जो नॉन लिटरेट हैं, उनको हम रेलेवेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ाएं जिससे कि वो अपनी आर्थिक दशा सुधार सकें, जैविक दशा सुधार सकें, एंड प्रमोट अ लर्निंग सोसाइटी। और बात हम किस तरीके के समाज का निर्माण करें, एक ऐसा समाज जो सतत अधिगम में प्रयत्नशील है, लगा हुआ है, कार्यरत है, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू न्यू लिटरेट एडल्ट्स फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। मतलब अब कंसेप्ट क्या चल रहा है, जो प्रेजेंट कंडीशन है एडल्ट एजुकेशन की, वो क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, कंटिन्यूइंग एजुकेशन की, मतलब सीखते जाना है, ठीक है। फिर आएगा आपका फ्रॉम, तो अब हम कहां से कहां पहुंच गए, फ्रॉम लिटरेसी टू पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग। अगर सार इसका निकालें तो यही आएगा ना। तो चूंकि देखिए एडल्ट एजुकेशन पे इतने सारे प्रोग्राम हैं, इतनी पॉलिसीज हैं, तो यहाँ पे इसमें हमने सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन को कंप्लीट किया है, कवर किया है। फिर एक नए टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे, एनएलएम, वो अपना पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। एनएलएम क्या, नेशनल लिटरेसी मिशन, जो 1988 में आया है। और फिर हम बात करेंगे आपसे रोल ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज इन एडल्ट एजुकेशन, तब जाके हम थोड़ा बहुत एडल्ट एजुकेशन को कवर कर पाएंगे। तब भी बहुत सारी चीजें रह जाएंगी क्योंकि हर चीज पीपीटी में नहीं लिखी जा सकती है, हर चीज 15-20 मिनट में नहीं बोली जा सकती है, ठीक है। तो फ्रॉम लिटरेसी टू पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में क्या है कि द गवर्नमेंट हैड सेट एन एम्बिशियस एम ऑफ अचीविंग अ सस्टेनेबल थ्रेशोल्ड लिटरेसी लेवल ऑफ 75% बाय 2007। मतलब गवर्नमेंट ने ये सेट किया था, तो हम 2023 में चल रहे हैं कि हम 2007 में 75% साक्षरता का स्तर ले जाएंगे, इन कवरिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम बाय देन। और तब तक उन्होंने ये तय किया था कि सारे जिलों को वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ले लेंगे। तो इसके लिए जो एनएलएम जो 1988 में आया था, उसने कहा कि तीन मेजर प्रोग्राम चलाए जाएंगे एडल्ट एजुकेशन में, कौन कौन से, टीएलसी, पीएलपी और सीईपी। टीएलसी क्या है, टोटल लिटरेसी कैंपेन, इसमें क्या होगा, इम्पार्टिंग बेसिक लिटरेसी स्किल्स। पीएलपी यानी कि पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जाएगा, ये किसके लिए होगा, फॉर एप्लीकेशन ऑफ लिटरेसी स्किल्स इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। और सीईपी, सीईपी किसके लिए होगा, फॉर लिंकिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम है सीईपी, ये किसके लिए होगा, फॉर लिंकिंग लिटरेसी विद स्किल्स अपग्रेडेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन को की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ऐसा सेट किया था, पर आप जानते हैं 2007 में हम इसको हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत काम एडल्ट एजुकेशन पे होता है और एडल्ट एजुकेशन के लिए बहुत हम लोगों को जब पता नहीं होता तो हमें लगता है एडल्ट एजुकेशन तो ऐसे ही कोई बहुत गैर जरूरी सा टॉपिक है, पर ऐसा नहीं है, बहुत इस पर पॉलिसीज बनती, बहुत पैसा खर्चा होता है सरकार का, बहुत नीतियां होती है, बहुत सहयोग की जरूरत होती है हमको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, एनजीओ से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम एनएलएम पे बात करेंगे। फिलहाल आपको समझ में आया कि एडल्ट एजुकेशन का कंसेप्ट बेसिक लिटरेसी से सोशल एजुकेशन आया, सोशल एजुकेशन से फंक्शनल लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी के बाद डेवलपमेंटल लिटरेसी, और डेवलपमेंटल लिटरेसी के बाद आजकल लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट एडल्ट एजुकेशन में चल रहा है।
So thank you. I have covered this topic, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Okay, done from my side.